हम हैरान हैं कि हम मजलूमों की धरने में शिरकत के लिए जा रहे थे। एक महकूम कौम अपने दूसरे महकूम और मजलूम भाई की तकलीफ में, उसके धरने में, वो जो टारगेट किलिंग के खिलाफ जो धरना बैठा है तुर्बत में, उसमें जब शिरकत के लिए हम जा रहे थे तो पता नहीं हुकूमत रियासत पाकिस्तान हमें क्यों अपने भाइयों के साथ मिलने नहीं दे रही है, उसमें उसको तकलीफ किया है। हम तो उधर फरियाद करते, उसके गम में शरीक होते, उसके आंसू पूंछते, उसे तसल्ली देते, लेकिन हम हैरान हैं कि इस जालिम रियासत ने हमें, हम पर स्ट्रेट फायरिंग की, हमारी गाड़ियों हमें मारने की कोशिश की, हमें गोली मारने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि हम अपने मजलूम और महकूम भाइयों की एहतजाज में शिरकत के लिए तुर्बत जा रहे हैं। आज जब हम ने मिस्टर मंजूर पश्तून ने चमन के धरने में ऐलान किया कि आज हम एक बहुत बड़े जुलूस के साथ अपने बलोच भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए तुर्बत जाएंगे और वहाँ पर उनका जो एहतजाजी धरना बैठा है उसमें शिरकत करेंगे, तो जब हम गाड़ियों के काफिले के साथ चमन से बाहर निकल रहे थे तो किसी इशारे, रुकने का इशारा या हमें रोकने के बजाय, जब हम थोड़ा आ गए चमन शहर में तो वहाँ पर FC पुलिस, लेवीज और आर्मी के लोग खड़े थे, उनके पर्सनल खड़े थे। उन्होंने हमारी गाड़ी पर स्ट्रेट फायरिंग की। ना उन्होंने हमें रुकने का इशारा किया था, ना उन्होंने हमें रुकने का कहा था। अगर वो हमें रोक देते गिरफ्तारी से तो हम नहीं डरते, ना मिस्टर मंजूर गिरफ्तारी से डरते, तो हम रुक जाते, गिरफ्तारी दे देते। लेकिन अफसोस कि उन्होंने रुकने के बजाय हम पर स्ट्रेट फायरिंग की। उन्होंने बराहे रास्त हमारी गाड़ी को निशाना बनाया। हमारी गाड़ी पे तकरीबन 10 गोलियों के निशानात हैं। ये तो मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है कि हमारी गाड़ी में मिस्टर मंजूर समेत किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता। और इस तरह के उसके बाद हम थोड़ा आगे चले गए। जब थोड़ा आगे चले गए, अपने साथियों के साथ मशवरा किया तो साथियों ने बताया कि उन्होंने पूरे चमन शहर को अपने मुहासरे में ले लिया है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर जब हम वापस आ रहे थे, हमने कहा कि चलो ठीक है, फिर हम चमन के धरने में जाते हैं। फिर जब हम वहाँ पर जाने की कोशिश करने लगे तो रोड तो मुझे मालूम नहीं कि कौन सा रोड था, लेकिन वहाँ पर तकरीबन 4-5 गाड़ियों ने, जिसमें तकरीबन 60-70 मुसल्ला लोग थे, उन्होंने हमें घेर लिया। मुझे, नूरबाचा और मिस्टर मंजूर को अलहदा गाड़ियों में डाल दिया। फिर तकरीबन आध घंटे के बाद हमें इधर उधर घुमाने के बाद मुझे और हमारे जो सूबाई कोऑर्डिनेटर हैं नूरबाचा, उसको छोड़ दिया गया और मिस्टर मंजूर को ये लोग अपने साथ ले गए। चमन के DC से जब हमारे दोस्तों ने बाद में रابطہ कायम किया तो उन्होंने कहा कि हम उसको सुबह बदर कर रहे हैं, क्योंकि प्रोविंशियल हुकूमत के आर्डर्स हैं कि मिस्टर मंजूर के दाखिले पर पाबंदी है सुबह बलूचिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि हम तो अभी उसे बाहर निकाल रहे हैं अपने सूबे से, सुबह बदर कर रहे हैं, हम मालूमात कर रहे हैं। अब हमें मज़ीद कुछ मालूमात नहीं है कि वो क्वेटा में है, चमन में है और किधर है। हमारे साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको, उसका वेयर अबाउट मालूम करें कि मिस्टर मंजूर कहाँ हैं, ये लोग उन्हें कहाँ लेकर चले गए हैं। जून ही उसका पता चल जाएगा, इंशाल्लाह हम अपने दोस्तों के साथ शरीक करेंगे सारी सूरत हाल को।